हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप जहां पे भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे। सो वी ऑलरेडी टेकन टू क्लासेस रिगार्डिंग हायर एजुकेशन सिस्टम, बट स्टिल सम पॉइंट्स लेफ्ट, सो दैट्स व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन सिस्टम। सो वी ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया इट मीन्स प्राचीन भारत। एट द टाइम ऑफ एंशिएंट इंडिया संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम, इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पाली वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पाली, पाली एंड संस्कृत, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो दैट्स वाई यू पीपल मस्ट रिमेंबर। संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड पाली वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आफ्टर दैट वेदास, यू मस्ट नो रिगार्डिंग वेदास। वेदास से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो वेदास, इफ आई टॉकिंग अबाउट वेदास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदास? फोर टाइप्स ऑफ वेदास। फर्स्ट ऋग्वेद, ऋग्वेदास एंड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अंदर ऋग्वेद आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस कि ऋग अतर्य ब्राह्मण जो है, अतर्य ब्राह्मण जो है कौन से वेद के अंदर आता है? तो राइट आंसर जाएगा ऋग्वेद जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। सामवेद पंच मीमांसा ब्राह्मण के अंदर आता है। यजुर्वेद सतप्था ब्राह्मण के अंदर आता है। और अथर्ववेद जो है गौपत ब्राह्मण के अंदर आता है। So these points you must remember regarding your examination point of view. After that, वेदांत के बारे में जानना है आपको। वेदांत के बारे में भी जानकारी रखनी है। वेदांत कितने होते हैं? सिक्स होते हैं, जनरली सिक्स होते हैं। वेदांत सिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है शिक्षा। After that, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, काल्पा एंड ज्योतिषा। ज्योतिषा, सो अगर क्वेश्चन आएगा शिक्षा रिलेटेड टू, शिक्षा रिलेटेड टू फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन, तो आपको याद रखना है कि शिक्षा किससे रिलेट करता है, ये फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन। आफ्टर दैट छंद जो है, छंद किससे रिलेट करेगा? मैट्रिक्स, म्यूजिकल साइंस से रिलेट करेगा। व्याकरण जो है ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस से रिलेट करेगा। और निरुक्ता जो है एटिमोलॉजी, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स जिसको बोलते हैं। और काल्पा जो है रिचुअल इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर आएगा। और ज्योतिषा जिसके अंदर क्या आएगा, ऑस्पिशियस टाइम फॉर रिचुअल्स, इसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर रखते हैं। बट आपके एग्जाम में हो सकता है ये ना पूछ करके, क्या पूछ सकता है कि शिक्षा जो है किससे रिलेट करेगा, किससे रिलेट करता है, बॉडी पार्ट्स, कौन से बॉडी पार्ट्स से शिक्षा रिलेट करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? नोज जाएगा, NOSE, नोज। After that, छंद किससे रिलेट करेगा? लेग से। छंद किससे रिलेट करेगा? लेग से, मींस नाक और पांव। After that, व्याकरण किससे रिलेट करेगा? माउथ, मींस मुंह, माउथ से रिलेट करेगा। निरुक्ता जो है कान से रिलेट करेगा। और कल्पा जो है हाथ से रिलेट करेगा, हम लोग पूजा पाठ। कल्पा जो है पूजा पाठ, मींस रिचुअल इंस्ट्रक्शंस, किससे होगा ये? हैंड से होगा, हाथ से होगा। और ज्योतिषा स्पीशियस टाइम फॉर रिचुअल्स एस्ट्रोलॉजी, ये कहां से होगा? आई से होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, बॉडी पार्ट्स, कौन से बॉडी पार्ट से क्या चीज रिलेट करेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट दर्शनास, दर्शन के बारे में आपको जानना है। दर्शनास के बारे में, दर्शन कितने होते हैं? सिक्स होते हैं। सबसे पहला क्या आएगा? संख्य आएगा। संख्य रिलेटेड टू कपिल। और योगा रिलेटेड टू पतंजलि। न्याया रिलेटेड टू गौतमा। वैशेषिका रिलेटेड टू कनाडा। मीमांसा रिलेटेड टू ऋषि जामिनी। एंड वेदांता रिलेटेड टू शंकरा, शंकरा। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच यू हैव, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट रिगार्डिंग योर नीट एग्जाम्स। आफ्टर दैट टू पॉइंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, गुरुकुल के बारे में हमने बताया था कि इन एंशियंट टाइम गुरुकुल वाज द मेन सेंटर फॉर स्टडी। आफ्टर कंप्लीटिंग द
स्टडी ऑल कैंडिडेट्स दे बैक टू द होम, मीन्स गुरु शिष्य का रिलेशन हुआ करता था उस टाइम पे। उसके बाद कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। नालंदा के बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सो नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है। ये किसके लिए फेमस है? कैथोलिक कैरेक्टर के बारे में ज्यादा यहाँ पे स्टडी होता था नालंदा में। रिनाउड फॉर इट्स कॉस्मोपॉलिटन एंड कैथोलिक कैरेक्टर, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज फेमस फॉर इट्स फैकल्टी ऑफ लॉजिक। क्रिश्चियन लोग पहले सबसे ज्यादा, क्रिश्चियन लोगों का सबसे ज्यादा, ईसाई धर्म के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी हुआ करता था यहाँ पे नालंदा बिहार। आफ्टर दैट तक्षशिला के बारे में जिक्र किया गया है। तक्षशिला पंजाब पाकिस्तान में है। तक्षशिला ये किसके लिए फेमस है? वन फेमस स्टूडेंट ऑफ दिस मेडिकल स्कूल वाज जीवाका, हु क्यूर्ड किंग बिंबिसारा ऑफ मगध एंड द ग्रेट बुद्धा। जीवाका हैड स्टडीड हियर फॉर 7 इयर्स अंडर द ऋषि अतरिया। किसके अंदर में? ऋषि अतरिया के अंदर में 7 इयर्स स्टडी किया। और अगर कुछ पॉइंट और भी याद रखना है आप लोगों को, जैसे पूछा जाएगा बल्लभी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर में है। सलोकी कहाँ पे है? तो कर्नाटका के अंदर है। और इनेरियम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। विक्रमशिला कहाँ पे है? बिहार में है। उज्जैन कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। बनारस किसके लिए फेमस है? वाज वेल नोन फॉर टीचिंग थियोलॉजी, मीन्स धर्मशास्त्र के लिए सबसे फेमस जगह कौन सा है? बनारस है। आफ्टर दैट वी ऑलरेडी डिस्कस चैप्टर टू इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसमें हमने बताया था कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद होगा। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था? 1902 में आया था। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में, जिस कौन किसके अंदर में आया था? ये कर्जन, लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में आया, ये याद रखना है आपको, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये सारे पॉइंट्स फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आया था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदेलियन के ये में आया था। आफ्टर दैट इमोशनल इंटीग्रेशन कब आया था? 1961 में आया था, ये भी याद रखना है आपको, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्णानंद के ये में आया था। नेशनल एजुकेशन कमीशन कब आया था? 1964 में आया था, कोठारी कमीशन। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964, ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछ जब देता है एग्जामिनेशन में आ जाता है। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966, कोठारी कमीशन इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, ये किसके लिए फेमस था? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। आफ्टर दैट चैप्टर थ्री में है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके बारे में डीप नहीं पढ़ना है आपको, जस्ट जानकारी रखना है कि ओरिएंटल का मतलब क्या होता है। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स मीन्स द फील्ड ऑफ ओरिएंटल लर्निंग इन्वॉल्व्स कोर्सेज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ईस्टर्न सोसाइटी। ये किस पे बेस्ड है? ईस्टर्न सोसाइटी पे बेस्ड है, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, पीपल एक्सेट्रा। एशियन स्टडी, मिडिल ईस्टर्न स्टडी, इस्लामिक स्टडी, सिनोलॉजी एक्सेट्रा आर द फील्ड ऑफ ओरिएंटल लर्निंग। ये सब किसका फील्ड है? ओरिएंटल लर्निंग का फील्ड है। बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स ऑन द अबव सब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। और एक दो पॉइंट आपको याद रखना है, इंडियोलॉजी और सिनोलॉजी। इंडियोलॉजी का मतलब होता है, इंडियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी एंड कल्चर। और सिनोलॉजी का मतलब होता है, सिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज, हिस्ट्री, कस्टम्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, इफ आई टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, तो कन्वेंशनल का मतलब होता है दीज आर द ट्रेडिशनल प्रोग्राम सच ए रेगुलर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेस। आप लोग जानते हैं ये सारी चीजें। कन्वेंशनल लर्निंग इन्वॉल्व्स द लर्निंग इनसाइड द क्लासरूम सेटअप, इट डज नॉट मेक यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। सो ये पॉइंट याद रखना है, कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया? इन्वॉल्व्स द लर्निंग इनसाइड द क्लासरूम सेटअप, इट डज नॉट मेक द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। और थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स,
मीन्स गैर परंपरागत है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, जैसा नाम है इसका। दीज प्रोग्राम्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स नाउ हैव द ऑप्शन टू इनरोल इन ऑनलाइन कोर्सेज वेयर दे कैन लर्न फ्रॉम वीडियोज एंड हैंडआउट्स अवेलेबल ऑनलाइन। सो ये किसके अंदर आ गया, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। तो छोटा छोटा पॉइंट से आपको जस्ट गो थ्रू करना है, और चैप्टर फोर में दिया हुआ है, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। सो प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल, दीज कोर्सेस डू नॉट प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन एंड देयर फोकस इज ऑन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल जैसे हो गया इसका, मेडिकल कोर्सेस हो गया, टीचिंग कोर्सेस हो गया, लिंग्विस्टिक कोर्सेस हो गया, एग्रीकल्चरल स्टडीज हो गया, एक्सेट्रा। सो ये सब किसके अंदर आएगा, प्रोफेशनल कोर्सेस के अंदर आएगा। आफ्टर दैट टेक्निकल कोर्सेज के अंदर आएगा, दीज कोर्सेज इंफेसाइज ऑन टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मशीन्स इक्विपमेंट एंड गैजेट्स। एग्जाम्पल जैसे हो गया एरोनॉटिकल स्टडीज, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीजें आएगा। उसके बाद दिया हुआ है, कुछ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकल के अंदर क्या क्या आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs, ऑल आर गवर्न्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, CFTI, ये पहले इसका क्या नाम था, इसको CFTI भी बोलते थे, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग NIT बोलते हैं, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860, ये कब पास हुआ, 1860 में हुआ, और 2003 से पहले इसको क्या बोलते थे हम लोग, REC मतलब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका पहले नाम क्या था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बाद में आफ्टर 2003 अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ग्रांटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, इसका स्टेटस क्या कर दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस कर दिया। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के बारे में आपको जानकारी रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, इसके बारे में जानकारी रखना है आपको। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER के बारे में जानकारी रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी रखना है। उसके बाद आता है स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन किसको बोलेंगे, दीज कोर्सेस रिसेंट इन स्किल डेवलपमेंट, दीज एम्फेसाइज ऑन कंक्रीट लर्निंग एंड प्रैक्टिकल वर्क, जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेस हो गया, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेस हो गया फॉर कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस डिजाइनिंग हो गया, कंप्यूटर ऑपरेशन हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ये सारे चीज किसके अंदर आएगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन के अंदर आएगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स और भी है स्किल बेस्ड एजुकेशन के अंदर जो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आवर नेशनल स्किल मिशन इन चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, द स्किल मिशन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 15 जुलाई 2015, ये भी आपको डाटा याद रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY आया, जिसके तहत क्या हुआ, अप्रूव्ड फॉर अनदर 4 ईयर्स 2016 to 2020, बेनिफिट 10 मिलियन यूथ। ये जब आया तब उसका टारगेट क्या था, कितना टारगेट हुआ, 10 मिलियन यूथ को बेनिफिट कराना। उसके बाद आया संकल्प आया, जिसका संकल्प का मतलब होता है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकल्प बोलते हैं। उसके बाद उड़ान आया, ये सारी चीजें याद रखना है आपको। उड़ान इज ए स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन द नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो उड़ान, ये पूछा जाएगा अगर आपसे, उड़ान इज ए स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव फॉर, कहां के लिए है ये, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो आपका आंसर जम्मू एंड कश्मीर देना है, यहाँ पे याद रखना है आपको। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, और छोटा सा टॉपिक है। वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, वैल्यू का मतलब होता है एथिक्स, मीन्स
हमारा मोरल वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट वी शुड डू व्हाट वी शुड नॉट डू, हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों को हम लोगों का मोरल वैल्यू बताता है। जैसे हम लोग ज्ञान अर्जन करेंगे, जैसे हम लोग नॉलेज ग्रेस्प करेंगे, वैसे ही हम लोगों का मेंटेलिटी बनेगा या होगा। सो ये सारी चीजें डिपेंड करेगा वैल्यू एजुकेशन, कितना वैल्यू एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं, कितना वैल्यू एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज द वैल्यू एजुकेशन। व्हाट वैल्यू एजुकेशन, डायमेंशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि डायमेंशन के बारे में बताएं, डायमेंशन क्या क्या है वैल्यू एजुकेशन का। सो सोशल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, द स्पिरिचुअल डायमेंशन, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डायमेंशन, और एक्सप्लिसिट वैल्यू, इम्प्लिसिट वैल्यू एजुकेशन, ये सारे डायमेंशन है जो आपको याद रखने हैं। सोशल डायमेंशन आप लोग समझ पा रहे हैं, सोशल मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, सोशल डायमेंशन होना चाहिए, एजुकेशनल डायमेंशन भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल डायमेंशन भी होना चाहिए, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डायमेंशन होना चाहिए। कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंक राइट, और कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, टू फील द राइट, टू फील द राइट मीन्स कॉग्निटिव, और अफेक्टिव का मतलब होता है टू एक्ट इन द डिजायरेबल मैनर। सो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट है आपका पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले एग्जामिनेशन में पॉलिटी वगैरह से पूछा जाता था, लेकिन अभी ज्यादातर क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन वो पॉलिटी वगैरह से नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी कोड, यूनिवर्सिटी के बारे में, मीन्स बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज, जो भी व्हाट एवर पॉलिसीज दे आस्क इन योर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स नीति शासन और प्रशासन। यूनिवर्सिटी कोड इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा यूनिवर्सिटी कोड आएगा, द कोड इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड हैज द पावर टू रिव्यू द एक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द एकेडमिक काउंसिल। इसमें आपको याद रखना है कि यूनिवर्सिटी कोड के अंदर कोर्ट, द कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, क्या होता है कोर्ट जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल आता है, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल शैल बी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर द यूनिवर्सिटी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर क्या आएगा, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल शैल बी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है एकेडमिक काउंसिल, जो क्या करता है, कोर्स डेवलप करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके एनटीए नेट के एग्जाम में कि एकेडमिक काउंसिल जो है वो उसका मेन मेन कार्य क्या है, तो उस वहां पे ऑप्शन था कोर्स डेवलप करने का, मींस कोर्स डेवलप करने का मींस ऑथेंटिकेट करना है, कोर्स डेवलप करता है और क्या करता है उसको ऑथेंटिकेट बनाता है। द एकेडमिक काउंसिल शैल बी द प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी इस फाइनेंस कमेटी आता है, फाइनेंस कमेटी जो भी फाइनेंस से क्या पता चलता है, जो भी टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट जो भी निकलता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो उस पर डिपेंड करता है, फाइनेंस कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये रिकमेंड किसको करता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकमेंड करेगा। आफ्टर दैट चांसलर, चांसलर क्या है यहाँ पे, चांसलर का रोल क्या है, हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, चांसलर का रोल क्या है, हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, चांसलर जो होता है हेड ऑफ यूनिवर्सिटी होता है, और वीसी जो होता है, वाइस चांसलर जो होता है एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक हेड होता है। वीसी का मेन रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक हेड। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है, और इसका कार्यकाल भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। वाइस चांसलर का एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक हेड, इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, 3 इयर्स, आपको याद रखना है 3 इयर्स का होता है। रजिस्ट्रार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो ये सारे चीजें जो बताया आपको याद रखना है, यही सब पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में एक पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है एनटीए वेबसाइट पे डला हुआ है, जिसमें डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का डेट एक्सटेंड किया गया है। सो दोज कैंडिडेट हु स्टिल नॉट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, सो आप लोग फिल कर लीजिए। और
जितना जल्द हो सके फिल कर लीजिए, और जैसे ही नया नोटिफिकेशन कुछ आता है एग्जाम से रिलेटेड डेट आता है सो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत जाइए, कहीं भी घूमने मत जाइए। आप देख सकते हैं मैं भी अपने घर पे हूँ, एक छोटे से कमरे में अपना ये सेटअप किया हुआ है, बैठाया हुआ है, ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके इससे। ओके फाइन।